फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये भी है आपका, एक्सक्यूज मी, चलो कर पाएंगे क्या? देखो यहां पर आपको चार्ज दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव इक्वल चार्ज है। तो देखो ये अगर C1 कहा जाएगा, इसे C2 कहा जाएगा, ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल ये डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप लिख सकते हो 1/C1 + 1/C2। अब देखो इनका चार्ज इक्वल है, अगर चार्ज इक्वल है तो इनके कैपेसिटेंस के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं क्या? इक्वल कैपेसिटेंस है, ठीक है, दोनों के अक्रॉस सी सी है, तो आपको ध्यान में आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, या आप ऐसा सी वन सी टू लिख सकते हो और सी वन सी टू की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ओवरऑल चार्ज सेम है और टोटल कैपेसिटेंस 20 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है। अगर ये इक्वल है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो C इक्वल टू Q बाय V। सो देखो ये कैपेसिटेंस अगर इक्वल है इसका तो आप आराम से लिख सकते हो सर क्या, C इक्वल टू Q1 अपॉन V1 इक्वल टू Q2 अपॉन V2। सो V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी और वहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां से आप लिखोगे V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C एंड V2 इक्वल टू Q2 बाय C, बट
Q1 एंड Q2 आर सेम, देयरफोर V1 एंड V2 आर सेम. क्या सही है क्या? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q1 अपॉन V1 या Q2 अपॉन V2, ये दोनों सेम है इसलिए लिख रहे हैं ये इक्वल रहेंगे. सो V1 आ जाएगा Q1 अपॉन C एंड V2 आ जाएगा Q2 अपॉन C, बट ये न्यूमरेटर इक्वल है. सो V1 V2 इक्वल रहने चाहिए, बट V1 V2 की सम कितनी है? V1 प्लस V2 इक्वल टू 20. ये V1 है, ये V2 है. इसका मतलब आप कहोगे V1 की वैल्यू 10 रहेगी, V2 की वैल्यू 10 रहेगी. और अगर ऐसा है तो दिस विल बी 10 माइक्रोफैरड माइक्रोकूलम अपॉन 10 वोल्ट, यह आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड. क्या सही है? Yes, तो ये कैपेसिटेंस आ गया 10 माइक्रोफैरड. तो फिर आप लिखोगे सर, हाँ सर, 10 अपॉन 10 10 राइट वन आएगा. सॉरी दिस विल बी 1 माइक्रोफैरड. और अगर ये 1 आ गया तो आप लिखोगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इक्वल टू 1/1. कितना आने वाला है ये? वन बाय वन प्लस वन बाय वन, सो ये आ जाएगा 2. सो सी इक्विवेलेंट 2 का इनवर्स मतलब हाफ आ जाएगा. देखो 1/1 प्लस 1/1 मतलब 2, 2 का इनवर्स 1/2 माइक्रोफेरेड. सो ये कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस रहेगा 1/2 माइक्रोफेरेड. क्या सही है? यस सर, बिल्कुल सही. अब तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये तो बड़ा आसान है. C1, C2, C3 की वैल्यू दी है 10 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 30 वोल्ट. इसको दूसरे पेज पर कर सकते. Therefore, ये ऐसा लिखा ना, therefore C1 इक्वल टू C इक्वल टू Q1 अपॉन V1. सर 1 माइक्रोफैरेड. 1 माइक्रोफैरेड, अरे फिर से वही किया क्या मैंने? सिमिलरली C2 इक्वल टू C इक्वल टू Q2 अपॉन V2 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम अपॉन 10 वोल्ट इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 दैट इज 1/1 प्लस 1/1. सो C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड. क्या सही है? बहुत बढ़िया. आगे जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. क्या था? 3 कैपेसिटर्स थे. कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? 30 वोल्ट और ये था 10 माइक्रोफैरेड. और आपको कहा था चार्ज भी निकाल लो.
C equivalent and Q1, Q2 and Q3. आपको होगी as C1, C2 and C3 are connected in, कैसे connect किए है? Parallel. So equivalent combination का यहाँ पर capacitance आ जाएगा C1 plus C2 plus C3, that is 10 plus 10 plus 10 equal to 30 microfarad. ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. Now, so ये पहला पार्ट आ गया. As potential across each capacitor is same, therefore, यहाँ से Q1 आ जाएगा C1 into V, that is 10 microfarad into 30. Similarly, आप C2 and C3 के बारे में लिखोगे. सही लिखा है क्या कि गड़बड़ की है? Q1 equal to C1 into V, C1 की वैल्यू है 10 एंड V की वैल्यू है 30. और ये चार्ज कूलम में आना चाहिए, दिस शुड बी इन माइक्रो कूलम. सिमिलरली Q2 आ जाएगा C2 into V, C2 की वैल्यू उतनी ही है, V भी उतना ही है, तो 300 माइक्रो कूलम एंड Q3 भी 300 माइक्रो कूलम आ जाएगा. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. ओके, अगर ये सही है तो आगे बढ़ते हैं. जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर. तो देखो, अब क्वेश्चन है, इनके बीच में 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. इसको कहा C1, C2, C3, C4. Find equivalent capacitance of combination दूसरा charge on each capacitor if all capacitors are of nine microfarad or isko फोर फिफ्टी कर दो. देखो मेरे सॉल्व करके. सो देखो, इसे सॉल्व करते हैं.
here C1, C2 and C3 are in series and this combination is in parallel with C4. हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है आपने. सो अगर ऐसा है तो पहली स्टेप सॉल्व कर लेते हैं. 1 upon C 1 2 3 ये इक्विवेलेंट है ना 1 2 3 का. इक्वल टू 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. कितना आ जाएगा ये? तीनों भी 9 के हैं. सो दिस विल बी 3/9. देयरफॉर C 1 2 3 इक्वल टू 9/3, दैट इज 3 microfarad. क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है. अब हम लिखेंगे नाउ सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C4 plus C1 2 3. क्यों लिखा? बिकॉज C4 and C1 2 3 आर इन पैरेलल. सो 9 plus 3 दिस विल बी 12 microfarad. ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है. पक्का? हाँ सर. अब क्या करना है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है. ये कैसे निकाल पाएंगे सर? सो देखो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ऐसा निकाल सकता हूं. क्या सही है? हाँ सर ऐसा बिल्कुल सही है. अगर ऐसा लिखता हूं तो मुझे ध्यान में आ गया V4 and V1 2 3 विल बी 450 volt, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है. देयरफॉर C4 equal to Q4 upon V4 and C1 2 3 is equal to Q1 2 3 upon V1 2 3. तो यहां से मैं लिखूंगा Q4 equal to C4 into V4. C4 की वैल्यू आ गई 12 microfarad, V4 की वैल्यू आ गई 450. कितना आने वाला है? (10⁻⁶). इसको आप 5.4 × 10⁻³ या 5.4 mC ऐसा लिख सकते हो. सिमिलरली यहां पर आ जाएगा. Q123 equal to C123 into V123. सो ये आ जाएगा Q123. C123 की वैल्यू कितनी आई है? 3 microfarad. V123 कितना है? 450. कितना आने वाला है? That is 1.35 × 10⁻³. अब आप क्या कहोगे? 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 आर इन सीरीज. सो सीरीज में चार्ज सेम होता है क्या? अरे हाँ सर, सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं. Therefore Q1 equal to Q2
इक्वल टू क्यू थ्री इक्वल टू 1.35 इंटू 10^-3 कूलम। आ गया क्या समझ में? यस सर। सॉल्व कर पाएंगे क्या? यस सर। ओके हो गया है तो बता दो, फिर आगे जाएंगे। जाए आगे। yes, देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। 900 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज by 100 volt battery how much electrostatic energy is stored by the capacitor? ये पार्ट आसान है। अब इसके आगे का पार्ट देखो क्या कहता है। नाउ दिस कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड बाय डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड connected to another capacitor of same capacity. What will be energy stored in system in this case? So देखो पार्ट वन क्या कहा है, कैपेसिटर दिया है जिसका कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैरड। कितने वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया? 100 वोल्ट। तो बेसिकली ये कैपेसिटर है जहां पर पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, इसको आपने 100 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसके ऊपर चार्ज स्टोर्ड कर लिया। तो हमने देखा है कि ड्यूरिंग चार्जिंग हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ये वर्क कितना रहेगा? वो वर्क यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। मैं जानबूझकर वॉल्यूम लिख रहा हूं सो दैट वोल्टेज के साथ कंफ्यूजन ना हो, या यही रिलेशन हमें पता है हाफ सी वी स्क्वेयर या हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी या हाफ क्यू इंटू वी। अभी कौन सा रिलेशन यूज करें? सर यहां पर रिलेशन यूज करना चाहिए सी और वी पता है, तो हाफ सी वी स्क्वेयर से निकाल लो। पिको पर एड, हाँ पिको मतलब 10^-12 इंटू वोल्टेज इज 100 इंटू 100। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह जीरो कम हो जाएंगे, 9/2 इज 4.5
इंटू 10^-6 एनर्जी है तो यूनिट आ जाएगा जूल। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसके आगे का पार्ट समझना बड़ा जरूरी है। आगे के पार्ट में क्या कहा है? नाउ ये चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा बाय द वे? सी इक्वल टू क्यू बाय वी, तो क्यू हो जाएगा सी वी। सो ये आ जाएगा 900 × 900 pF × 100, 40 कम हो जाएंगे, 9 × 10^-8 कूलम। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो अब क्या किया गया, इतना चार्ज है सो इतने चार्ज का कैपेसिटर ये बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दूसरे सेम कैपेसिटी के कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया। तो ये चार्ज है, कितना चार्ज है इसके ऊपर अभी निकाला है, 9 × 10^-8 कूलम। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 900 pF। इसका भी कैपेसिटेंस कितना है? 900 pF। सो अब क्या होगा जब ये कैपेसिटर ये इस प्रकार से चार्ज है, इसको इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और यहां पर दूसरा कैपेसिटर लगाया गया, क्या होगा? देखो मैं दूसरे स्लाइड पर लिखता हूं, ये ऐसी कंडीशन है हमारी। जाते हैं एक सेकंड, ये 900 pF का कैपेसिटर है, इसको आपने कितना 500 वोल्ट के बैटरी से 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करके रखा था, ठीक है? ये पहले वाली कंडीशन, जब बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पर चार्ज चला गया, यहाँ पर चार्ज स्टोर्ड हुआ, कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ? तो 9 × 10^-8। ठीक है, अब आपने क्या किया है, नाउ यू आर डिस्कनेक्टिंग दिस बैटरी और उसके जगह एक कैपेसिटर ला रहे हो। कैपेसिटी सेम है पर अभी उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है। सो ये बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और इसके जगह नया कैपेसिटर सेम कैपेसिटी का कनेक्ट कर दिया, क्या होगा अभी बताओ? इसका कैपेसिटेंस तो 900 pF है, ये ना चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है, अब क्या होगा? When battery is disconnected and another capacitor of same capacity is connected to the arrangement, then charge from charge capacitor will start to flow on new capacitor। क्या सही है? क्या इस प्लेट से ये चार्जेस इधर फ्लो होना शुरू होंगे
कब तक फ्लो होते रहेंगे? जब तक दोनों के ऊपर का चार्ज ये इक्वल नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। अब ये चार्ज ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना जनरेट हो रहा है, तो ये चार्जेस इक्वल होना मतलब q/2 q/2 हो नहीं जाते हैं तब तक। ठीक है, जब q/2 नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। ओके सर, ये चार्जेस इक्वल होने चाहिए या पोटेंशियल सेम होना चाहिए? सर चार्जेस फ्लो होते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, तो ये तब तक फ्लो होंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। एज दे आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी तो उनका पोटेंशियल भी प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। देखो समझ लो, हाँ यहाँ पर चार्ज स्टोर्ड है। अब ये जो नया है सी डैश, इसकी भी कैपेसिटी 900 पिको फैराड, दैट इज क्यू डैश अपॉन वी डैश है। अब जब यहां से चार्ज कम होते जाएगा, शुरुआत में इसका पोटेंशियल कितना था? इसका था 100 वोल्ट। सो जैसे जैसे चार्ज कम होते जाएगा, यहाँ का 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। जैसे यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम जीरो। ठीक है, सो the charges flow because of potential difference ठीक है, टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल एट द सेम टाइम चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व होने वाला है, दैट इज क्यू इक्वल टू क्यू डैश प्लस क्यू ऑन ओरिजिनल कैपेसिटर। एंड पोटेंशियल वी विल बी वी डैश प्लस पोटेंशियल ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटर। क्या सही है क्या? बट ये इक्वल लिखना पड़ेगा। नया जो पोटेंशियल रहेगा वी, ये जब तक इक्वल नहीं हो जाता मतलब वी डैश का भी उतना नहीं होता है तब तक ये मूव होता रहे, ये होते रहेगा। क्या सही है?
इतना पार्ट ध्यान में आया क्या बता दो? यस सर। पक्का? नया पोटेंशियल विल बी वी डैश और यही पोटेंशियल रहेगा ओरिजिनल प्लेट का, ठीक है, और टोटल चार्ज कंजर्व होने वाला है। क्लियर? अब देखो, अब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, सो ये इक्वल है, तो Q डैश एंड Q ओरिजिनल भी इक्वल रहेगा। Q ओरिजिनल मतलब क्या कह रहे हैं हम? चार्ज ऑन ओरिजिनल प्लेट आफ्टर कनेक्टेड टू न्यू कैपेसिटर। Therefore, Q dash equal to Q original. और अब आप कहोगे ये दोनों इक्वल है तो ये टोटल चार्ज के आधा हो जाएगा, क्या सही है? Therefore, Q dash equal to Q by 2. इनको कनेक्ट किया, चार्जेस फ्लो होना शुरू हुआ। ये तब तक हुआ जब तक इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक। इसलिए लिखा ये नया पोटेंशियल यहाँ का will be equal to यहाँ का पोटेंशियल V dash, बट टोटल चार्ज कंजर्व हुआ है, सो टोटल चार्ज जो है वो अभी कुछ पार्ट यहाँ पर रहेगा जिसको हमने Q original कहा है, और कुछ चार्ज यहाँ पर रहेगा Q डैश, ठीक है, बट दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, दैट इज C डैश और C सेम है, बट C डैश की वैल्यू क्या रहेगी? Q डैश अपॉन V डैश। C की वैल्यू क्या रहेगी? ओरिजिनल प्लेट पर जो अभी का चार्ज है वो, एंड उसका जो नया पोटेंशियल रहेगा वो। पोटेंशियल सेम है, C भी सेम है, इसका मतलब ये चार्जेस सेम हो जाएंगे। इसका मतलब Q डैश या नए पुराने कैपेसिटर का अभी का चार्ज विल बी पहले के चार्ज का आधा। यही यहां पर लिखा है। Therefore, C डैश इक्वल टू, C डैश कितना रहेगा? Q डैश अपॉन V डैश। सो आपका V डैश आ जाएगा बट Q by C है आपका ओरिजिनल V, therefore V dash equal to V by 2. So charges भी आधे हो गए, potential भी आधा हो गया। अब आप energy of system निकालोगे, excuse me, now excuse me, energy of system will be 2 times half Q dash into V dash। क्यों ऐसा कहा आपने? टू क्योंकि दो कैपेसिटर है, चार्जेस सेम है और पोटेंशियल सेम है, तो जितनी एक पर एनर्जी रहेगी उतनी ही दूसरे पर रहने वाली है। सो क्यू डैश अपॉन वी डैश इक्वल टू
ठीक है, बट क्यू बाय वी इसकी हाफ क्यू बाय वी की वैल्यू आपको पता है, हाफ क्यू बाय वी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी थी, हाफ क्यू वी, यही हाफ सी वी स्क्वायर है, दिस इज 4.5 इंटू 10^-6 यू, या आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सो जब आपने बैटरी के जगह नया कैपेसिटर कनेक्ट किया तो भले ही चार्ज कंजर्व हुआ है पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसकी एनर्जी कम हो गई, बची हुई एनर्जी गई कहां पर, द रिमेनिंग एनर्जी is lost to the system, lost to the surrounding in the form of heat and radiation. आया क्या ध्यान में, बहुत conceptual problem है और इस type के question पूछने में exam में लोगों को बहुत मजा आता है, एक बार पूरा question देख लो, पहले क्या था, एक कैपेसिटर था 900 पिकोफैराड का और 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड था, इसके चार्जिंग में जो कुछ भी वर्क हुआ दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली हाफ क्यू वी। अब क्या हुआ, अब बैटरी को हटा दिया और एक नया कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया, अब ऐसा करते वक्त क्या होने वाला है, ऐसा करते वक्त ये यहाँ का चार्ज फ्लो होकर इन प्लेट पर आएगा, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक सिमिलरली इस प्लेट का एंड इस प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं होता है तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। सो फिर हमने कहा दूसरी चीज कि अब बाहर से कोई चार्ज सप्लाई कर रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व, सो क्यू टोटल विल बी क्यू डैश इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा और ये ओरिजिनल पर जो अभी चार्ज रहने वाला है वो, और ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक, सो यहाँ पर इसके ऊपर का पोटेंशियल विल बी वी न्यू अब इस केस में और इसका पोटेंशियल वी डैश ये सेम रहेगा, पर आपको पता है कैपेसिटेंस सेम है, कैपेसिटेंस आता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सो ये कैपेसिटेंस सेम है, ये वी डैश और वी न्यू भी सेम है, ये सी मतलब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्यू ओरिजिनल मतलब इस ओरिजिनल प्लेट पर अभी जो चार्ज है वो क्यू डैश इतना ही है, इसका मतलब क्यू डैश ये पुराने चार्ज के क्यू के आधा हो गया है, अगर ये कैपेसिटेंस अलग अलग कैपेसिटी के रहते तो ये आधा नहीं होता हाँ। सो फिर यहां से हमें क्यू डैश मिल गया क्यू बाय टू, सो यहां से वी डैश मिल गया वी बाय टू, और फिर अब कहा अब जो एनर्जी रहेगी दैट विल बी हाफ ऑफ क्यू डैश वी डैश प्लस हाफ ऑफ पहले वाले कैपेसिटर का अभी का चार्ज और अभी का पोटेंशियल, वो इसके बराबर है इसलिए टू फैक्टर आया, क्यू डैश वी डैश ये आ गया क्यू बाय टू वी बाय टू, बट हाफ क्यू वी की वैल्यू आपको पता है वो डायरेक्टली पुट कर दी डिवाइडेड बाय टू, सो बेसिकली एनर्जी आधी हो गई, बची हुई एनर्जी कहाँ गई, वो सराउंडिंग के पास चली गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन,